गुड मॉर्निंग ऑल। हर सुबह सुबह सारा काम चल रहा है और आज बेटी मुझे हेल्प कर रही है बेड साइज करने में। ये बेड बंक बेड तो वो उसका वो ही करती है, ऊपर उठकर उसको अच्छे से करना पड़ता है। मैं कभी कभी उसको हेल्प कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। ये दोनों लोग चाहिए होता है ऊपर के लिए, तो बस मैं कर रही हूँ। और मैं कितना भी करूँ ना उसको पसंद नहीं आएगा। वो बोला छोड़ो मैं ही करूँगी मम्मा, उसका बेड उसको ही पसंद आता है, वो खुद करती है। और इधर मैं एक टांग गांठ बांध रही हूँ, उसको बोले नहीं उसको हटा दो, तो मैं फिर से हटा रही हूँ उसको। चलो करने दो उसको उसका बेड। अब मैं मेरा एरिया, डाइनिंग एरिया, सोफा एरिया, ये सब क्लीन करूँगी आज। ये तो मॉर्निंग डेली होता है, सबके घर में होता है, मेरे घर में भी बस सेम हो रहा है। और ये आ गया मेरा बेटा, इसको तो बस किसी चाहिए मम्मा से। पता नहीं दिन में कितने बार आ जाती किसी करने के लिए। ब्रश कर लिया तो वो सोच रहा उसका एक बड़ा बात हो गया, तो फिर आ गया मम्मी को किस करने के लिए कि मम्मी मैं एक काम कर दिया। अब मैं इधर डाइनिंग का मैट फिक्स कर रही हूँ, साइज कर रही हूँ। और आज फ्रेंड मेरा वॉइस थोड़ा सा भारी भारी है, क्योंकि मेरा गला बैठ गया है। दो तीन बार हेड बात कर कर के ना मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है। कोल्ड तो ऐसा नहीं, बट गला थोड़ा बैठ गया है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा मेरा ये कर्क जो क्या कोयल जैसा जो टोन ऊपर से और ये भारी टोन थोड़ा एडजस्ट कीजिए। अरे सुफा का तो दो बार करना पड़ता है, सुबह पर एक अच्छे से कर लेती हूँ, तो दिन में बस ऐसे थोड़ा बहुत साइज करेंगे तो हो जाता है। क्योंकि ये बच्चे खेलते रहते, टीवी देखते रहते, इसमें तो फिसलता रहता है ये मैट। यहाँ पे आगे में बेडरूम पे साइज करने के लिए, बेडरूम तो है साइज, बस थोड़ा बहुत ऐसे करके ब्लैंकेट बस रख देना है अच्छे से। ये पे मैं किचन पे आ गई हूँ, अब जाऊँगी बालकनी में। सारा मेरा कपड़ा जो काल सुखाई थी उसको उठाऊँगी, और आज फिर से मशीन ऑन करना है, तो पहले का कपड़ा उठा दे दूँगी। थोड़ा बहुत सुखाए, थोड़ा बहुत नहीं सुखाए, जो नहीं सुखाए उसको धूप में दे रही हूँ मैं। बाहर भी है थोड़ा सुखाने के लिए जगह, तो मैं वही पे मोटा मोटा जो होता है जो नहीं सूखता है तो मैं उसको वहाँ पर दे देती हूँ। कभी मशीन ऑन करूंगी तो मिनिमम एक दो घंटा लगेगा, एक घंटा तो लगता है। अभी इसका खेल शुरू हो गया है, रॉकेट उड़ा रहा है रॉकेट। और देखो हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अब बज चुका है 12 और अभी आ गई हूँ मैं किचन में लंच बनाने के लिए। सुबह से आज थोड़ा ऐसे काम किया है और बाकी बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि कल का रथ यात्रा का वीडियो आज अभी तक एडिटिंग चल रहा है और थोड़ा है बस हो जाएगा। और रात को मैं नहीं की थी क्योंकि कल रात को खाना बनाया, डिनर बनाया तो लेट हो गया, फिर रात को भी टायर्ड हो गए तो हम लोग सब सो गए। और सुबह उठकर ही जब बनाती हूँ वीडियो तो लेट हो जाता है, क्योंकि सुबह एक काम नहीं होता है, काफी काम होता है सुबह। बच्चों का नाश्ता देना, घर का काम, इधर उधर सब भाग भाग के बीच बीच में एडिटिंग करना पड़ता है, इसलिए लेट हो जाता है। और आज हबीबी भी है, उनका भी थोड़ा सा आज भारी भारी लग रहा था, तो बोला आज नहीं जाऊंगी ऑफिस करके, तो वो भी सोए थे, थोड़ी देर पहले ही उठे वो। और आज लंच में तो बहुत सिंपल सा बनाऊंगी,
आज बनाऊंगी मैं करेला और आलू का फ्राई और एक करी और राइस और पकला भात बनाऊंगी और एक करी बनाऊंगी। बच्चे अगर ग्रेवी के साथ खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो पकला भात, पर हम लोग तो पकला भात खाएंगे। और अभी बनाऊंगी मैं करेला आलू का फ्राई। करेला आलू का फ्राई तो मैं बहुत सिंपल सा बनाती हूँ, बस प्याज और ग्रीन चिल्ली का तड़का लगा के करेला आलू फ्राई बना लेती हूँ। देखिए कैसे बनाती हूँ। कढ़ाई में डालूंगी ऑयल, अब मैं डालूंगी थोड़ा सरसों। अब ये प्याज और हरी मिर्च को डाल दूंगी। अब मैं डालूंगी इसमें पोटैटो, थोड़ा ढक दूंगी, थोड़ी देर के बाद मैं करेला डाल दूंगी। अब डालूंगी मैं इसमें करेला, नमक डाल दूंगी और डालूंगी मैं हल्दी पाउडर। थोड़ा सा फ्राई करके मैं ढक दूंगी और पूरा सीम में छोड़ दूंगी जब तक करेला पूरा अच्छे से फ्राई ना हो जाए, करेला और आलू। और इसमें मैं रेड चिली नहीं डालूंगी क्योंकि मैं ग्रीन चिली डाली हूँ, इसलिए। और यहाँ पे एग बॉईल हो रहा है, आलू भी डाली हुई है, करी बनाऊंगी इसका। और कल बनाऊंगी मैं इडली, इसलिए आज भिगो रही हूँ मैं उड़द दाल और राइस को। रात को पेस्ट करके रख दूंगी तो कल के लिए टिफिन में होगा इडली। मैं एक स्पून मेथी का दाना देती हूँ, उसमें इडली अच्छे से सॉफ्ट होता है। अब बनाऊंगी एक करी और ये रहा मेरा करेला आलू का फ्राई। कढ़ाई में तेल दे दूंगी, वो सेम जो सब करते हैं। एग को पहले फ्राई करूंगी, आज मैं वॉइस दे रही हूँ इसलिए ऐसे हो रहा है। और एग को फ्राई करके मैं पहले निकाल दूंगी और एग को मैं हल्दी डाल के थोड़ा फ्राई करती हूँ, उससे कलर भी अच्छा आता है, अरे थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। अब मैं वह तेल में प्याज डाल दूंगी, प्याज डाल के फ्राई करूंगी प्याज को जब तक लाल ना हो जाए। ये तो मैं सेम बोलती हूँ, सब यही करते हैं। और अब मैं डालूंगी इसमें नमक स्वाद के हिसाब से, और अब इसमें दूंगी मैं जिंजर गार्लिक जो मैं पेस्ट बनाती हूँ उसमें एक स्पून दे दूंगी। बस अब अच्छे से भूनकर उसमें डालूंगी एक टमाटर, छोटा वाला टमाटर डालेंगे, एक करी ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगता है। अब इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक ये भून ना जाए। अब उसमें डाल देंगे हम हल्दी पाउडर, चिल्ली पाउडर, नमक तो पहले से डाला हुआ है और नहीं डालूंगी मैं नमक। अब उसको अच्छे से भूनेंगे जब तक ये पूरा लाल लाल होकर पूरा तेल छोड़ ना जाए। भूनते रहो भूनते रहो, बस हो गया। अब मैं इसमें बॉयल आलू और एग को मिला के भूनूंगी, थोड़ी देर ऐसे मिक्स करूंगी। मैं कभी कभी एग को फ्राई भी करती हूँ, पर आज मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि एडिटिंग अभी भी नहीं हुआ है। आज तो कॉपीराइट का वो इशू भी आ रहा है, तो मैं 2-3 बार बस उसको लोड कर रही हूँ, फिर आउट फिर से एक बार एडिट किया, अभी 2 बार उसको एडिट हो चुका है वो।
हो गया मेरा एक करी, और इसमें थोड़ा लास्ट में धनिया पत्ता डाल दूंगी तो बस हो जाएगा। और ये खाना आ गया है, और आज मैं बहुत बिजी हूँ फ्रेंड, सॉरी, इसलिए मैं यहीं से ही आपको बाय बाय करूँगी, और फिर एक मिलते हैं फिर मेरे एक नया वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। होप आप लोग को सबको ये वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि ये छोटा सा है। बाय फ्रेंड्स, बाय, लव यू ऑल।